हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी। शिवशंकर बायोलॉजी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में पढ़े थे आनुवंशिकता चैप्टर से, जो आपका बीसीसी एग्जाम 2020 में होने वाला, उसमें आने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। यानी पिछले क्लास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे और इस क्लास में पढ़ेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। यानी पिछले क्लास में एक संकर क्रॉस था, इस क्लास में द्विशंकर क्रॉस पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दें एक बात कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पर कुछ दिन से पीडीएफ नहीं जा रहा था व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो बीसीसी एग्जाम के लिए पीडीएफ आप आज से जाना शुरू हो चुका है। आज आपका 39 नंबर वीवीआई सेट गया है, जिसमें लगभग 200 क्वेश्चन होगा आसपास। तो उतना क्वेश्चन एक बार गया था एक पीडीएफ में, यानी आज गया आपका बीसीसी वाले ग्रुप में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा हमारी कि अगर आप बीसीसी की तैयारी करना चाहते हैं, जी अगर आप करना चाहते हैं बीसीसी की तैयारी पूरे मेहनत और लगन के साथ, तो जरूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। अगर नहीं करना चाहते हैं तो मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि करने वाले ही स्टूडेंट जो तैयारी नहीं करेगा उस नया स्टूडेंट, उसके लिए हमारे पास मैसेज के लिए उसमें यानी मोबाइल में मैसेज करने का कोई जगह नहीं। उसी बच्चे वही बच्चा जो कर सकता है मैसेज, जो तैयारी करना चाहता है, जो फॉर्म भरा है। अब जो करना ही नहीं चाहता वो बेकार ना मैसेज करेगा फालतू फालतू, उससे बढ़िया है कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वही करे। तो स्टूडेंट देखिए, आज का आपका टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस, या पूछता है आपका एग्जाम में पूछेगा, और इस आज को यहाँ पे पूछेगा जो ना, वो आपका ग्राफ दे देगा और ग्राफ में पूछेगा, तो इसको समझना भी पड़ेगा आपको, तभी ना ग्राफ बनाइएगा। देखिए कॉलम बना हुआ है और इसमें भरना है क्रॉस करके, तो यही चीज देगा भरने के लिए, तो क्रॉस देगा भारी, अगर सीखे हुए रहेगा तभी ना। तो इसको वीडियो कोशिश कीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को डाउनलोड कर लें और ये सारी चीज़ डाउनलोड करके लिख लें, या फिर ऑनलाइन भी डायरेक्ट यहाँ पे वीडियो रोक करके ये सारी चीज़ लिखें और आज आपको ये सिखाएंगे क्रॉस कराने के लिए। तो स्टूडेंट चलिए क्लास की ओर चलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और साथ में घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे दिया द्विशंकर क्रॉस। क्या द्विशंकर क्रॉस? दो जोड़ा विपरीत लक्षण। देखिए डाई हाइब्रिड बोल रहा है, डाई मतलब दो, हाइब्रिड मतलब संकरण, अरे डाई मतलब दो, हाइब्रिड मतलब संकरण, यानी दो जोड़ा ना। पिछले क्लास में पढ़े थे मोनो हाइब्रिड, मोनो मतलब एक, हाइब्रिड मतलब संकरण, मतलब एक संकरण ना। यहाँ पे डाई हाइब्रिड, डाई मतलब दो, हाइब्रिड मतलब संकरण, यानी द्विसंकरण, यानी दो जोड़ा विपरीत लक्षण के बीच किसके किसके, दो जोड़ा विपरीत रहेगा तभी ना, एगो एक्स रहेगा एगो एक्स वाई, एगो वाई रहेगा तभी ना होगा क्रॉस, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेगा। अरे मनुष्य में क्या होता है, वो एक्स होता है एगो वाई होता है, तबे ना दोनों में क्रॉस होता है, होता है कि ना। अगर दोनों एक से रहेगा तो एना में क्रॉस होगा। अब कहेगा हाँ सर होता है, हम पढ़े थे कि एन एगो एक्स एगो एन एक्स एन एक्स वाई, तो एक्स एक्स में हुआ था। अरे तो वही चीज ना बता रही कि दोनों तो एक ही ना है, तो एकरा एकरा में होगा नहीं होगा, जब भी होता एक्स एक्स है एक्स वाई है तो ये विपरीत है ना, उल्टा है ना जी, तबे ना हो रहा है। तो वैसा ही यहाँ पे आपका कि दो जोड़ा विपरीत लक्षण के बीच क्रॉस कराने की विधि को क्या, क्रॉस का मतलब यहाँ पे हो गया आपका, क्रॉस का मतलब संयोजन कराने की विधि को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और डाई हाइब्रिड क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस का सर प्रथम अध्ययन तो मेंडल ने किया था, तो इसके लिए मेंडल ने क्या किया था कि मेंडल ने लंबा पौधा एवं लाल पौधा, कैसा पौधा देखिएगा, मेंडल ने एक लंबा पौधा लिया और एक लाल पौधा लिया। तो लंबा पौधा देखिए यानी कैपिटल आर और कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी कैपिटल आर, यानी लंबा टी मैंने कहा टेल, टेल मतलब लंबा, रेड मतलब लाल, यानी कैपिटल आर लिया। जब कैपिटल टी कैपिटल आर लिया यानी लंबा पौधा एवं लाल पौधा को जब दोनों को लिया, और क्या अब लंबा पौधा तो अब लाल पौधा तो देखे नहीं होंगे आप, लेकिन होता है हम बताएंगे, को लेकर के ड्राफ्ट हाइट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राफ्ट हाइट, यानी ड्राफ्ट कहने का मतलब यहाँ पे होता है कि बौना यहाँ पे कैसा पौधा लिया गया जी, लंबा और रेड यानी लाल ना लिया गया मेंडल ने लिया, और यहाँ पे क्या लिया ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है बौना, अब हाइट मतलब का डब्ल्यू एच आई टी, हाइट मतलब उजला यानी सफेद,
यानी बौना सफेद यहाँ पे लिया और एगो लिया क्या लंबा और लाल लिया और एगो लिया बौना और सफेद लिया। तो यानी लंबा कौन लंबा पौधा जो था यानी जो लाल पौधा था ना उसको लंबा चुना और जो सफेद पौधा था उसको बौना वाला पौधा लिया और दोनों को क्रॉस करा दिया। जब दोनों को क्रॉस कराया तो प्रथम विधि में प्रत्येक पौधा हाइब्रिड कैसा प्राप्त हो गया, दोनों में जब हाइब्रिडेशन कराया गया दोनों में क्रॉस कराया गया तो हाइब्रिड यानी हाइब्रिड प्राप्त हुआ दोनों। और जब हाइब्रिड प्राप्त हुआ तो कैसा प्राप्त होगा, तो एगो लंबा एगो लाल प्राप्त हुआ। कैसा हुआ, एगो लंबा एगो लाल प्राप्त हुआ, एगो लंबा एगो लाल प्राप्त हुआ। तो एगो लंबा जो प्राप्त हुआ ओकरा में कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया और जो लाल प्राप्त हुआ ओकरा में कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, तो प्राप्त हुआ ना। तो अब देखिए इसको बताएंगे डिफाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, आपको सब टेंशन किसी चीज का नहीं लेना है, एकदम बिल्कुल आसान है क्रॉस, एकदम बिल्कुल आसान है, कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं होता है। देखिए ना हम समझाएंगे ना कैसे आसान होता है। जब इन्होंने डाइब्रिड प्राप्त किया यानी डाई हाइब्रिड से किया प्राप्त, हाइब्रिड लंबा एवं लाल किया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त कर लिया पौधा इन्होंने। तब मेंडल ने क्या किया, जब स्मॉल क्या लंबा एवं लाल कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर जब प्राप्त कर लिया तब इसको फिर से मेंडल ने क्या किया कि दो हाइब्रिड ये जो हाइब्रिड था आपका निकल के आया था ऐसे ऐसे दो गो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर के दो गो लिया, दो गो हाइब्रिड पौधा लिया, फिर दोनों को क्रॉस कराया, दोनों के बीच लाल पौधा और के बीच क्रॉस कराया तो एक टू जनरेशन में लंबा एवं लाल पौधा फिर लिया और दोनों के हाइब्रिड के साथ क्रॉस करा दिया। जब क्रॉस करा दिया तो एफ टू जनरेशन में निम्नलिखित पौधा पर, एफ टू मतलब का समझे, द्वितीय जनरेशन, जनरेशन मतलब पीढ़ी, समझे ना। तो देखिए अब मेंडल ने दो हाइब्रिड, ये जो हाइब्रिड निकाल के आया था ना, तो ऐसा ऐसा दो हाइब्रिड पौधा लिया और दोनों हाइब्रिड पौधवा को लाल पौधा और एगो लंबा पौधा जो अभी ना बताए, जो पौधवा लंबा था ना वो लाल था, तो ओकरे साथ दोनों हाइब्रिड पौधवा को क्रॉस करवा दिया। जब क्रॉस करवा दिया तो देखिए कैसन कैसन प्राप्त होता है, तो देख लीजिए इधर देखिए यहाँ पे, जब एक डाई हाइब्रिड लिया यानी हाइब्रिड में देखिए एक कैपिटल टी एस और एक कैपिटल आर हुआ, तो जब ये हाइब्रिड पौधा आपका स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल आर है ना, अब इसको क्या कराया कि किसके साथ कराया, लाल पौधा के साथ करवाया लंबा के साथ, तो लाल पौधा यहाँ पे भी है और यहाँ पे हर जगह तो लाल पौधा है ना, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो देखिए कैसे समझना, हाइब्रिड वही ना जी जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो देखिए कैपिटल टी यहाँ पे भी है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी सबका है हाइब्रिड है। अब देखिए स्मॉल टी सॉरी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी क्या है, हाइब्रिड है, और कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी है, सबके साथ लंबा और रेड के साथ क्रॉस कराया। तो देखिए कैसे समझना है, डिटेल में समझना है ठीक है ना। देखिए हाइब्रिड दो हाइब्रिड ना लिया था, एक कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था। तो देखिए कैसे करना, यहाँ पे कैपिटल टी है ना, अरे यहाँ पे कैपिटल टी है और इसको इसको में क्रॉस करवाना। देखिए पहला क्रॉस किसको करवाना है, यहां से यहाँ, फिर यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ, देख रहा है ना, कैपिटल टी कैपिटल आर को स्मॉल क्रॉस करवाना है कैपिटल टी कैपिटल आर से। तो जब कैपिटल टी कैपिटल आर से क्रॉस करवाएंगे तो कैसा होगा, अरे कैपिटल से कैपिटल टी में टी से गुना करेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर नहीं, माइथ नहीं हो रहा है कि टी स्क्वायर लिख देना है, टी और टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी और टी, ये ना कि लिख देना टी स्क्वायर तो हो जाएगा माइथ, तो जीनेटिक से घुस जाएगा माइथ में, तो ये माइथ नहीं बायोलॉजी है, तो कैपिटल टी डी। अब इसको करवाना है कैपिटल आर से कैपिटल आर में, तो क्या होगा, कैपिटल आर और कैपिटल आर, अरे यही ना होगा जी, कैपिटल इन टी इंटू कैपिटल टी कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर, यानी आपका जो आया कैपिटल टी और कैपिटल आर से
क्रॉस कराया गया तो कैसा पौधा हुआ? अरे कैसा पौधा हुआ जी, ये जो दोनों पौधा है टी टी मतलब का लंबा, तो यहाँ पे कैपिटल ना है तो कैपिटल मतलब का लंबा पौधा, और ये कैपिटल आर आर है ना तो मतलब का लाल पौधा, यानी लंबा पौधा भी और लाल वह में प्राप्त हुआ। लंबा पौधा तो कैसा हरियर नहीं लाल प्राप्त हुआ, जब कैपिटल टी कैपिटल आर से कैपिटल टी आर कैपिटल आर में जब क्रॉस कराया गया तो लंबा पौधा ओह में लाल प्राप्त होता। कैसा लंबा और लाल प्राप्त होता, समझ में आया? ओकर बाद देखिए कैपिटल टी स्मॉल आर है ना, और यहाँ क्रॉस करवाना है कैपिटल टी कैपिटल आर से, तो देखिए कैपिटल टी को कैपिटल टी से क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी होगा, अरे होगा ना जी। ओकर बाद देखिए यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, अरे कैपिटल आर का स्मॉल आर है ना तो कैसा प्राप्त होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ पे तो कैपिटल टी टी कैपिटल आर था, तो यह लंबा भी था और लाल भी था, तो यह जो था ना ये शुद्ध रूप से लंबा था, यानी पूर्ण रूप से लंबा और लाल था, इसमें कोई हाइब्रिडेशन नहीं हाइब्रिड नहीं था। लेकिन यहाँ पे तो स्मॉल आर है यानी बौना पौधा लाल वाला है, तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल आर और कैपिटल टी और कैपिटल आर क्रॉस कराया तो कैपिटल टी टी और कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया ना, तो कैसा पौधा ये हो गया? ये हो गया पौधा तो लंबा होवे किया, अरे टी मतलब का कैपिटल है तो पौधा तो लंबा होवे किया, लेकिन हो गया क्या, लेकिन लाल भी हुआ। देखिए क्या हुआ, रेड माने लाल और कैपिटल माने लंबा, कैपिटल टी मतलब लंबा, तो लंबा तो होवे किया लाल भी होवे किया, लेकिन हो गया हाइब्रिड हो गया। कैसा पौधा हो गया? हाइब्रिड वाला हो गया, ठीक है ना। ओकर बाद देखिए यहाँ पे आपका स्मॉल टी है कैपिटल आर है, इसको क्रॉस करवाना है कैपिटल टी कैपिटल आर से, तो देखिए कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी और कैपिटल टी के क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, ओकर बाद कैपिटल आर को कैपिटल आर से स्मॉल कराएंगे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर आर आ जाएगा, अरे आएगा ना जी कैपिटल आर आर। तो देखिए यहाँ पे भी आपका क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे कैसा पौधा प्राप्त हो रहा है, एगो देखिए कैपिटल टी या स्मॉल टी आर एन ए प्राप्त हो रहा है, कैसा आर आर प्राप्त है दोनों कैपिटल आर, तो देखिए पूर्ण रूप से कैसन हो जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि कैपिटल टी या स्मॉल टी भी है तो पौधवा तो लंबा है, ये है यहू लंबा है और ये कैपिटल आर मतलब यहू पौधा जो है यहू लाले है और लंबा भी है, लेकिन ये हो गया हाइब्रिड है क्योंकि स्मॉल टी ना हो रहा है, यहाँ पे अक्षर कैसा दिखाई दे रहा है स्मॉल एगो दिखाई दे रहा, मतलब कि ये हाइब्रिड पौधा हो गया है, ठीक है ना। ओकर बाद देखिए यहाँ पे स्मॉल टी है स्मॉल आर है, इसको क्रॉस करवाना है कैपिटल टी कैपिटल आर से, तो देखिए कैपिटल टी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए कि यू तो कैपिटल में एगो आ रहा है एगो स्मॉल में आ रहा है, रेड भी वो कैपिटल एगो स्मॉल आ रहा है, तो एक मतलब का कि पौधा लंबा है, कैसा है पौधा लंबा है और पौधा लाल भी है, कैसा लालो है लंबा भी है, लेकिन है का लेकिन कि हाइब्रिड है, अरे पौधा कैसा है लंबा भी है इतना ऊंचा भी है मतलब लंबा भी है और लाल भी है लेकिन हाइब्रिड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कैपिटल टी फिर से कैपिटल टी कैपिटल आर को क्रॉस कराया गया कैपिटल टी स्मॉल आर से, किससे कैपिटल टी कैपिटल आर को कैपिटल टी और स्मॉल आर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैपिटल टी स्मॉल आर को क्रॉस कराया गया कैपिटल टी स्मॉल आर से, तो देखिए जब कैपिटल टी से कैपिटल टी के क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी आर आर से क्रॉस किया तो क्या हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, तभी तो कैपिटल टी है ना ये कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल टी मतलब का पौधा लंबा और स्मॉल आर कैपिटल आर का मतलब का लाल, तो जब कैपिटल टी तो लंबा है ये है ना पौधा जो है का लंबा है
और लालो है, लेकिन हाइब्रिड हो गया। क्या हो गया? हाइब्रिड हो गया। अब आपको करना है क्या? क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर से करवाना है क्रॉस। तो देखिए कैपिटल टी से कैपिटल टी में तो कितना होगा, कैपिटल टी टी हो जाएगा। उसके बाद स्मॉल टी से स्मॉल आर और स्मॉल आर में तो स्मॉल आर आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि आपको कैपिटल टी टी है ना, और बाद स्मॉल आर आर है। जब कैपिटल टी टी तो पौधा का लंबा, कैपिटल टी ना है तो पौधा तो लंबा है ही है। यूं तो बात यहाँ पे बोलिए रहा है कि पौधा लंबा है, लेकिन बोल रहा है स्मॉल आर आर। क्या बोल रहा है? स्मॉल आर आर। तो एकर मतलब का कि पौधा सफेद है। अरे पौधा तो लंबा है ही है, लेकिन का है? सफेद है। ओकर बाद देखिए आज का यहाँ पे लिखा हुआ स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल, यहाँ यहाँ हम करवाना ना। देखिए स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर से, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी से करवाएंगे तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, अरे कैपिटल टी और स्मॉल टी में करवाएंगे तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ पे कैपिटल आर है ना, स्मॉल आर है, तो दोनों में करवाएंगे तो क्या होगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा। तब देखिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो यहाँ पे कैपिटल टी मतलब का पौधा लंबा। कैसा पौधा लंबा तो है ये है, यहाँ पे भी कह रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है कि पौधा लंबा भी है और लाल भी है, लेकिन हाइब्रिड है। अरे क्या है? पौधा लंबा भी है, लाल भी है, लेकिन क्या है? हाइब्रिड है। फिर देखिए कैप स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, ये दोनों मैंने क्रॉस कराना है। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अरे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैप स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल मतलब छोटका आर, छोटका आर। तो ये तो पौधा का है, लंबा है ना जी। अरे बोले ना ये पौधा लंबा, लेकिन कैसन के, लेकिन कैसन होगा? जब यहाँ पे देखिए पौधा यहाँ पे बताया गया कि कैपिटल टी स्मॉल टी, अरे कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल आर, तो पौधा कैसा होगा? तो स्मॉल आर मैंने कहा हाइट आई लंबा, लेकिन पौधा का है। अरे पौधा लंबा है ना जी, और ये स्मॉल आर है जो कोची है, हाइट है ना, तो पौधा तो लंबा है ही है, लेकिन सफेद है। ओकर बाद देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर क्रॉस करवाना स्मॉल टी स्मॉल आर। देखिए कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, तो ये का हो जाएगा? अरे का होगा, ये तो लंबा है ये है, आई रेड हाई है, मतलब का है कि मतलब कि पौधा ही लंबा हुआ और साथ में लालो भी हो गया, ठीक है ना। ओकर बाद देखिए कैपिटल टी स्मॉल आर संयोग करवाना है, यानी क्रॉस करवाना है स्मॉल टी कैपिटल आर से, तो कैपिटल टी स्मॉल आर, तो कितना हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अभी ना बताए कैपिटल टी स्मॉल आर टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये क्या होता है? पौधा लाल होता है ना, पौधा लाल होता है। अरे पौधा कैसा होता है? लाल होता है, और प्लस में लाल तो होबे करता है और लंबा भी होता है, मगर मगर क्या, लेकिन लेकिन ये हाइब्रिड हो गया। कैसा हो गया? हाइब्रिड हो गया। ओकर बाद देखिए स्मॉल टी कैपिटल आर, यहाँ पे भी स्मॉल टी कैपिटल आर है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल टी टी, अरे कैसा स्मॉल टी टी और कैपिटल आर आर, कैपिटल आर आर। तब देखिए यहाँ पे क्या स्मॉल टी टी ना आया जी, जब स्मॉल टी टी आया, टी टी वाला मत समझना, ई टी टी स्मॉल टी और टी, स्मॉल टी टी आया तो स्मॉल माने कोची छोटा, तो पौधा कोची होगा, बौना होगा, लेकिन कैपिटल आर है ना, मतलब पौधा लाल होगा। अरे स्मॉल होगा, लेकिन पौधा जो होगा कैसा होगा? पौधा होगा लाल होगा।
और कैसा होगा पौधा, लाल होगा। ओकर बाद देखिए स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर, तो देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अभी ना बताए हैं कि पौधा तो लंबा होवे करेगा लेकिन लालो होगा और लाल के साथ हाइब्रिड भी हो जाएगा। अरे अभी यहाँ पे बताए ना कि हाइब्रिड हो जाएगा ना। ओकर बाद देखिए यहाँ पे कैपिटल टी है कैपिटल आर है, तो एक क्रॉस किस में करवाएंगे, स्मॉल टी स्मॉल आर में। तो जब कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये पौधा कैसा, ही लंबा है लेकिन लाल है और साथ में हाइब्रिड है। ओकर बाद देखिए अब तो समझ में आ गया है ना निकालने क्रॉस, कि अभी भी समझ में नहीं आया, अब तो अंतिम बॉक्स हो गया। तो देखिए कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, तो कैपिटल टी है ना, तो कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। आप देखिए अरे पौधा स्मॉल देखिए का है, पौधा लंबा है, अरे पौधा लंबा है लेकिन स्मॉल आर आ गया, एक मतलब कि पौधा जो है वो व्हाइट है सफेद है। पौधा तो लंबा है ये है लेकिन स्मॉल आर आ गया, एक मतलब कि पौधा सफेद है और साथ में लेकिन लग गया ना कि हाइब्रिड भी है। अरे कैसा हाइब्रिड हो गया ना, कहा कि सेम रहता तब ना शुद्ध होता, लेकिन ये स्मॉल टी आ गया, एक मतलब कि हाइब्रिड हो गया। यहाँ पे देखिए स्मॉल टी कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल टी स्मॉल आर, तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी है स्मॉल टी में करवाएंगे तो स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल टी आर स्मॉल मैंने तो बताया कि छोटा, तो पौधा का है छोटा यानी बौना है लेकिन रेड भी तो है, यानी पौधा जो है बौना है लेकिन लाल है और साथ में हाइब्रिड है, क्योंकि एक छोटका आर आ रहा है ना एक बड़का आ रहा है। अरे दोनों अगर बड़का आर आ जाता है यहाँ पे तो शुद्ध रूप से हो जाता है बौना, लेकिन ये हाइब्रिड हो गया नो, एगो लक्षण एक अलग है और बड़का के लक्षण यहाँ अलग है। ओकर बाद देखिए स्मॉल टी स्मॉल आर है, अरे स्मॉल टी स्मॉल आर है लेकिन करना किसको स्मॉल टी स्मॉल आर से, तो देखिए स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल मैंने कहा छोटा, तो देखिए स्मॉल टी टी है ना तो मतलब का पौधा तन्नी गो मतलब बौना, स्मॉल आर आर है ना एक मतलब का पौधा लाल, तो यानी पौधा शुद्ध रूप से तन्नी गो है बौना है और साथ में का है, अरे साथ में का है बौना भी है और लाल भी है, शुद्ध रूप से बौना है और शुद्ध रूप से लाल है, ठीक है ना। ये हो गया क्रॉस निकाल दिए, अब तो समझ में आ गया होगा कैसे क्रॉस निकालते हैं। तो अब देखिए अब डाई हाइब्रिड का कंफ्यूजन यहाँ पे करेगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का फीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, तो फीनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 होता है, यानी सीधा सीधी पढ़ लीजिएगा 93:31। अरे फेनोटाइपिक रेशियो कितना 93:31, यहाँ पे लिख दीजिएगा 93:31 और सबके बीचवा में रेशियो लगा दीजिएगा, सबके बीचवा में रेशियो लगा दीजिएगा, हो गया ना। अब जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है डाई हाइब्रिड का, तो डाई हाइब्रिड का देखिए 1:2:4:2:1 अब तो एक याद कैसे करेंगे तो देख लीजिए 12:12:42:121 सीधा सीधी याद कीजिएगा 12:12:42:121। अब दून एक इतना लिख दीजिएगा आ एक कर बीचवा में लगा दीजिएगा अनुपात, ये अनुपात के चिन्ह हो गया ना, यही चीज वाला उन्हें लिखा है याद हो गया ना कि 12:12:42:121। अब 12:12:42:121 पढ़िएगा, यानी कि 12:12 की जगह पढ़ दीजिएगा 12:12:42:121 नहीं 12:12:42:121। कोई कोई होता है बच्चा याद करने के लिए क्या कर देगा ना 12:12 की जगह बोल देगा 12:12:42:121, ठीक है ना, तो इसको 12:12 नहीं पढ़ना है 12:12:42:121 और सबके बीच में एक अनुपात लगा दीजिएगा, ठीक। अब यही चीज देखिए
लिखा हुआ है कैपिटल टी कैपिटल आर, यानी यही बताए ना, यही चीज लिखा हुआ है जो अभी समझा रहे थे, कैपिटल टी कैपिटल आर यानी प्योर शुद्ध रूप से लंबा और लाल होगा, लेकिन कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर है या हाइब्रिड होगा और लंबा रेड होगा, यही चीज ना अभी यहाँ पे बताया, उसी को लिख दिया गया है यहाँ पे कि हाइब्रिड कौन होगा। तो स्टूडेंट ये था आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस जो बीसीएस एग्जाम में आएगा इस टाइप से, तो आपको बनाना पड़ेगा 1-2 सेकंड के अंदर, कम से कम 30 सेकंड एक क्वेश्चन पर टाइम मिलेगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो भी शेयर कीजिएगा, चैनल भी शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब मेरे दोस्तों जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करेंगे तभी ना हम आपका सपोर्ट कर पाएंगे।